हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि जिसमें सिडबी बैंक में बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी वैकेंसी है, तो उसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन की अपडेट जरूर मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सिडबी की बैंक है। जैसे सिडबी असिस्टेंट मैनेजर एंड जनरल रिक्रूटमेंट 2022 की वैकेंसी निकाली गई है। तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्या क्या, जैसे एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग, सारे डिटेल हम देखेंगे। तो देखते हैं हम ब्रीफ ऑफ फैक्ट, इसमें फैक्ट कौन कौन से, जैसे कि पहले स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इसकी फुल फॉर्म ये है। और इसकी इसमें पोस्ट नेम असिस्टेंट मैनेजर AM ग्रेड ए जनरल स्टीम, तो इस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें एडवर्टाइज नंबर सिडबी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022। तो इसमें कुल टोटल पोस्ट 100 है, तो बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसमें पे स्केल की सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत ही बढ़िया शानदार रहने वाली है। तो इसमें सैलरी आपकी 70,000 से स्टार्ट होगी। और इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में जॉब आपको कहीं पे भी मिल सकती है। और इसकी लास्ट डेट 24 मार्च को है। तो मैं बताऊंगा कि इसकी स्टार्टिंग डेट कभी, वो भी आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन ना ले। ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और इसकी कैटेगरी बैंकिंग जॉब, तो ये बैंकिंग लेवल की जॉब है। तो आगे देखते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट, तो इसकी स्टार्ट डेट 4/2/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट 24/2/2022। तो एग्ज़ाम डेट अभी तक उसके कोई फिलहाल अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो एग्ज़ाम कब होंगे तो वो भी आपको मैं अपडेट करा दूंगा। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें हम, तो इसमें जनरल OBC NEWS की 500 रुपये और SC ST PWD की 50 रुपये, और पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आगे देखते हैं। तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 28 ईयर तक के लोग इसमें स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 4/3/2022 के रूल्स के हिसाब से, और एज रिलेशन भी इसमें लागू होगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड जनरल स्ट्रीम, तो 100 पोस्ट, तो UR की 43, SC की 16, ST के 7, OBC की 24, EWS की 10, तो टोटल 100 पोस्ट। और क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 16% और 55% ओवर SC एंड ST के होने चाहिए। तो आप पूरा एडुकेशन देख लेना, अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें द सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें राइटन एग्ज़ाम होगा पहले, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरा इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया। अब इसके बात करते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो भी हम पूरी डिटेल देखेंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 के नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और ये ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर, और रीजनिंग के 50 नंबर, और मैथ के 50 क्वेश्चन, तो कुल 200 क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड ड्राफ्टिंग एबिलिटी टेस्ट कंप्राइज ऑफ 1 राइटिंग, मतलब एक आपको पत्र लिखना होगा 35 नंबर का होगा, 35/15 नंबर का, तो उसमें आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको दे दी। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जब मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।